बज बाइट की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है MI Preferred Partner, Teens Gallery, Shop No. 3, S2S Aspire, गढ़ रोड, मेरठ। इटावा में थाना फ्रेंड्स कॉलोनी पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने चेकिंग के दौरान संदिग्ध दिख रहे दो युवकों के पास से 10 किलो गांजा बरामद किया। पुलिस ने गिरफ्तार दोनों तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया है। गिरफ्तार दोनों तस्कर फिरोजाबाद जिले के निवासी हैं। SP सिटी रामयश सिंह ने बताया कि शनिवार देर रात थाना फ्रेंड्स कॉलोनी पुलिस और क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम सब्जी मंडी तिराहा रेलवे लाइन के किनारे चेकिंग कर रही थी। तभी रेलवे लाइन के किनारे दो युवक खड़े हुए संदिग्ध प्रतीत हुए। पुलिस को दोनों की तलाशी लेने पर 10 किलो गांजा बरामद हुआ। पूछताछ में दोनों ने अपना नाम मोनू कुमार और मानिक चंद्र निवासी फिरोजाबाद जनपद बताया। दोनों ने बताया कि हम लोग रेलवे स्टेशन और शहर में अलग अलग स्थानों पर जाकर गांजा बेचते हैं। अभी ये बचा हुआ माल हम लोग बेचने के लिए शहर की तरफ से जा रहे थे। पुलिस ने दोनों तस्करों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। ये जनपद इटावा में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के विरुद्ध वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय इटावा के द्वारा पुलिस अधीक्षक नगर और क्षेत्राधिकारी नगर के नेतृत्व में दो टीमें बनाई गई थी, जिसमें यशोजी टीम और थाना फ्रेंड्स कॉलोनी की पुलिस दो टीमें थी। इनके द्वारा आज सवेरे जो चेकिंग की जा रही थी संदिग्ध वाहन की व्यक्तियों की, उसी दौरान जब ये चेकिंग करते करते सब्जी मंडी तिराहा रेलवे लाइन के किनारे पहुंचे तो दो लोग जो है संदिग्ध व्यक्ति मिले। उनसे जब तलाशी ली गई तो उनके पास से 10 किलो अवैध गांजा बरामद किया गया। उन अभियुक्तों से पूछताछ करने पर बताया गया कि वे लोग अवैध गांजा की बिक्री ट्रेनों से या लेकर के या शहरों में जाते हैं और उसको बिक्री करते हैं। उनको गिरफ्तारी के संबंध में फ्रेंड्स कॉलोनी थाने पर मुकदमा अपराध संख्या 89/20 धारा 8/20 NDPS एक्ट में पंजीकृत कर दिया गया है। ये जो गिरफ्तार अभियुक्त हैं वो मोनू कुमार राजपूत हैं और मानिक चंद्र मेवाराम हैं, और इनसे जो बरामदगी हुई है वो 10 किलो अवैध गांजा है। और जो हमारी पुलिस टीम है, मैं पहले बता चुका हूँ, एक प्रथम टीम के प्रभारी हैं श्री सत्येंद्र सिंह यादव और दूसरी टीम के प्रभारी हैं श्री अतुल कुमार लखेरा, प्रभारी निरीक्षक हैं फ्रेंड्स कॉलोनी के। क्या कीमत आगे जा रही है सर? इसकी कीमत आज के रेट में लगभग जो है चार लाख साढ़े चार लाख के आसपास आंकी गई है। ये लोग जो पकड़े गए हैं पहले से भी कहीं संलिप्तता रही इनकी? हाँ, इनसे पूछताछ की गई है तो इन्होंने बताया कि हाँ, हम पहले से इस काम में लगे हुए थे।